भी ये क्या करें। भाई हाँ भाई क्लियर बेटा। राइट, तो इस रिएक्शन को कैसे करना है या इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें निकालना था रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। ठीक है, अगर हमने देखिए क्या है, लास्ट ईयर एक रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था, इससे लिखूं ए प्लस गिव्स बी सी प्लस क्या बेटा डी। ठीक है राइट, तो इस रिएक्शन का हम क्या लिखते थे बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिखते थे, ऐसे रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखते थे के एफ इंटू ए इंटू बी, क्या लिखते थे बी। हम सिर्फ फॉरवर्ड में कौन सा रिएक्टेंट पार्ट लेगा तो वो क्या होगा के एफ इंटू क्या लिखते थे ए इंटू बी। और अगर हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो आर बी लिखते थे बेटा के बी इंटू सी इंटू क्या लिखते थे डी। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, आर एफ इज इक्वल टू क्या होता था आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होता था रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यहां से आप क्या लिखते थे के एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी, यही लिखते थे बच्चे। क्लियर है, और अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखो इस चीज को, यही देखो आप ध्यान से इसको इक्वेट करो, आप इस चीज को इक्वेट करो इससे, इस चीज को अगर हम इससे इक्वेट करते हैं तो ये वाला चीज क्या दिख रहा है, ये किसके साथ है रिएक्टेंट के साथ है। सो दिस मीन्स ये क्या है के एफ, और ये क्या है बच्चों इसके साथ है प्रोडक्ट के साथ में, तो ये क्या हो गया के बी। ये निकालना था हमें के एफ और के बी। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो डी एक्स बाई डी टी है आप लिख लेना, वो क्या है बेटा यहाँ पे होगा के एफ इंटू रिएक्टेंट माइनस के बी इंटू क्या होगा बेटा प्रोडक्ट। तो ये जो आगे का कोफिशियंट है बेटा, जो आगे का कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा के एफ, और ये वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा के बी। हमें इस क्वेश्चन में के एफ और क्या बताना था के बी ही बताना था बेटा। के एफ क्या है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और के बी क्या है रेट कांस्टेंट किसका बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर आ रहे हैं अभी आदित्य, तुम्हें क्लियर है बेटा। यस सर। ठीक है, अब नाइन्थ भी ऐसी है बेटा, सिमिलर क्वेश्चन नाइन्थ, बिल्कुल कर लो। सेवंथ हो गया था क्या बेटा, सेवंथ, सेवंथ अच्छा क्वेश्चन है, सेवंथ हो गया था आज तक आदित्य। ठीक हो गया सर, हो गया। है ओके, सिक्स्थ हो गया था, सेवंथ हो गया था, देखो देखिए क्या है, सेवंथ था। सर इसका आंसर 2/3y आ रहा था, ये तो हो गया सर। देखिए ये बेटा, हाँ ठीक है राइट। अब इसमें क्या करना है आप ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि दो रिएक्शन चल रही हैं ये साइमल्टेनियसली एक ही वेसल में, ठीक है ना राइट। बट रिएक्शन चलने की कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है। तो टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा, एक ही क्या है ये, एक ही वेसल में दो रिएक्शन चल रही है, ये ए प्लस थ्री बी और ये एम वाली, दोनों रिएक्शन चल रही। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या है नेगेटिव, तो डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एनर्जी क्या हो रही होगी रिलीज हो रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे साइन क्या बेटा पॉजिटिव, सो दिस मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या करेगा बेटा डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन आपको टेम्परेचर क्या रखना है बेटा कॉन्स्टेंट रखना है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही और यहाँ पे एनर्जी हम दे रहे, तो इसका मतलब अगर हमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कब होगा, जब जितनी एनर्जी रिलीज हो रही उतनी एनर्जी क्या हो जाए कंज्यूम हो जाए, तो सेम हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इसके बराबर हो जाए,
कंज्यूम हो रही है, टेम्परेचर नहीं कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप क्या करें, हम इसको टू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टू, ये कितना हो गया बेटा फोर, और ये कितना हो गया टू। तो जब हम इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं एंथैल्पी को भी टू से करेंगे, क्योंकि पहले क्या था ये एम था एक मोल के लिए डिफाइन, लेकिन जब आपने दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने मोल के लिए डिफाइन कर दिया, दो मोल के लिए डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इनटू किससे करोगे, तब नहीं आता ना, क्योंकि हमें क्या वो अगर ये ऐसे ये कंडीशन ही थी बेटा कि टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको, टू से, क्योंकि जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उतनी एनर्जी क्या होगी, आप रिलेशन हम निकाल सकते हैं बेटा दोनों में क्या। अब रेट कांस्टेंट अगर हम देखें तो देखिए क्या है, अरे आदित्य क्लियर है क्या किया था हमने यहाँ पे, फिर इसके हिसाब से तो 3/4 आएगा। हाँ तो देखिए बेटा तो 3/4 ही आंसर होगा बेटा, ठीक है राइट। तो क्या था, जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी उतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी बेटा। तो ये दोनों के बराबर होना चाहिए। अब क्या होगा, पूछा हुआ है कि इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई इफ बी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा बेटा, डी बी बाय डी टी, है ना, क्योंकि अगर हम रेट लिखते हैं किसी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का तो कोफिशियंट का कोई भी रोल नहीं होता। तो डी बाय डी ये कितना दे रखा है आपको, वाई, या इसको लिखते हैं आर बी। हाँ जी बेटा बोलिए, जो आपने रिएक्शन में टू से मल्टीप्लाई किया बात तो वही है, एम ओ टू क्यू प्लस आर ही बन जाएगा। नहीं बेटा अभी आप देखिए ना, टू से मल्टीप्लाई करने का रीजन आपको समझ में आया मैंने क्यों किया, यस सर, वो तो दोनों को इक्वल करने के लिए एनर्जी। हाँ तो अब कोफिशिएंट अगर चेंज हो जाएगा बेटा तो उसका रेट, जब आप रेट लिखोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा ना, ठीक है सर, ठीक है ना, तो वो भी चेंज हो जाएगा बेटा। और क्या है y, और पूछ रहा है इफ द रेट ऑफ डिस्पेरिंग ऑफ b इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ m, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ m rm कितना हो जाएगा बेटा, माइनस dm by क्या हो जाएगा dt, ये rm हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है बेटा, ठीक है, कि इसका कितना होगा, ये rb इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू rm अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 2, सॉरी rb अपॉन 3 ना बेटा, क्लियर है ना। आर बी क्या बोला था, ये देखिए क्या था बेटा क्वेश्चन, हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि क्या है, इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी मतलब आर बी बोल रहा है, आर बी का मतलब कितना बेटा, माइनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, वाई, क्या है वाई, और हमें पूछ रहा है आरएम, पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू पूछ रहा है सॉरी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डी क्यू बाय डी टी, ये पूछ रहा है, इसका क्या रिलेशन, प्लस डी क्यू बाय डी टी आएगा, सॉरी प्लस डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। अब इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो इनमें रिलेशन क्या था, आर बी बाय थ्री, है ना, आर बी बाई थ्री इज इक्वल टू आर क्यू बाई क्या बेटा, और ये रिलेशन था, और आर ये कितना गिवन है, आर बी कितना गिवन है, वाई, सो दिस मींस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू कितना बेटा, आर क्यू बाई फोर, आर क्यू कितना हो गया बेटा, फोर बाई थ्री वाई बेटा, ध्यान से आर एन क्लियर है, आदित्य क्लियर है, यस सर, ठीक है बेटा, दोबारा था क्वेश्चन नंबर बेटा, हाँ ठीक है राइट। देखिए क्या था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर है विभोर, क्या था बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 क्वेश्चन में क्या था विभोर, कि दो रिएक्शन की बनती है हमें, एक ये, और दोनों एक ही वेसल में चल रही थी, ये किसमें चल रही थी, एक ही वेसल में चल रही थी, ठीक है। अब कंडीशन क्या की बनती है बेटा, कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि एक अगर डेल्टा एक्स इसका माइनस एक्स माइनस टू एक्स गिवन था इसका, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी एक्सोथर्मी, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और इसका डेल्टा क्या बेटा प्लस एक्स, तो यहाँ एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी क्योंकि एंडोथर्मी है। अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कब होगा, जब जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उतनी एनर्जी क्या हो, कंज्यूम हो जाए,
तो कंज्यूम होने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से। हम पूरी रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई कर दें, टू से, फोर टू, और ये भी कितना हो जाएगा टा टू, क्योंकि अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते तो डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई करते, क्योंकि डेल्टा एच पर मोल डिफाइंड होता है, क्या डिफाइंड होता है, बट आपने दो से मल्टीप्लाई करा तो इसका मतलब टू मोल से कर दें, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, ये तो नेट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या गिवन था, आर बी आपको गिवन था कितना बेटा वाई, और आर क्यू हमें पूछा हुआ था, रिलेशन क्या था बेटा, आर बी अपॉन थ्री इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन फोर, ये थ्री अपॉन कितना बेटा फोर, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा आर क्यू, क्लियर है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ जी बेटा, अलग अलग रिएक्शन हम करेंगे, हम बाद में क्या करेंगे, जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेंगे, लास्ट में जाके जब टॉपिक खत्म कर रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल रिएक्शन, स्पेशल केसेस हैं सीरीज और किसकी, पैरेलल रिएक्शन की, इसको क्या कहते हैं पैरेलल रिएक्शन, मतलब जब एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा रिएक्शन चल रही होगी तो क्या बोलेंगे पैरेलल, और सीरीज में ऐसा होगा कि ए से आप क्या बना रहे हो बी बना रहे हो, बी से क्या बना रहे हो सी बना रहे हो, ये सीरीज रिएक्शन होगी। हाँ बिल्कुल करें बिल्कुल, क्योंकि जब सेम वेसल होगा ना तो सेम वेसल में क्या होगा टेम्परेचर वो सब कॉन्स्टेंट ही रहेगा उसके, क्लियर है, तब वो हम करेंगे स्पेशल केसेस और सीरीज ऑफ पैरेलल रिएक्शन की, बट जेई मेंस में नहीं आता, एडवांस में आता है कभी कभार पूछ लेता है, बट जेई मेंस में क्या आएगा या नीट में क्या आएगा, वो सिंपल आपसे रेट का एक्सप्रेशन पूछेगा, क्या पूछेगा रेट का एक्सप्रेशन पूछेगा सीरीज ऑफ पैरेलल रिएक्शन का, मतलब इसका पूछेगा या फिर ऐसे का पूछेगा, तो हम देखेंगे। डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं डिराइव भी कराऊंगा, बट दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ का आंसर बेटा रेट, अब ये दिया था बेटा आपको क्या था, एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई, तो दिस मीन्स क्या होगा बेटा माइनस ऑफ डी एच टू बाई क्या बेटा डी टी इक्वल टू माइनस डी ऑफ आई टू बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस वन बाय टू इन टू डी एच आई बाय डी टी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब बी वाले में माइनस बी वाले में कोई माइनस नहीं है। अब देखो ना बिफोर टू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा सभी को तो ये कितना हो गया बेटा टू टू और ये खत्म हो गया, तो अब डी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा, पहले 20 में एट मैंने अभी कराया था, एट ट्राई, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, राइट, देखिए क्या बेटा, हाँ हमने लास्ट ईयर एक रिएक्शन पढ़ते थे रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या पढ़ते थे रिवर्सिबल, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ देखिए बेटा ए प्लस बी गिव्स लिख रहा हूँ सी प्लस क्या डी, तो आर आप लिखते थे इसमें जब लॉ ऑफ मास एक्शन डिराइव करते थे तो लिखते रेट ऑफ फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होता था रेट ऑफ बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतनी कितने जाएगी बैकवर्ड जाएगी, और आर एफ को आप क्या लिखते थे बेटा के एफ इंटू ए इंटू क्या लिखते थे बी लिखते थे, और आरबी को क्या लिखते थे बेटा के बी इंटू सी इंटू क्या डी, है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा के एफ इंटू ए इंटू बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड के बी इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है दोनों सेम हो जाएगा, तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा के एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा डी, ठीक है, यही हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये अगर इधर लेके आते हैं बेटा तो के एफ इंटू ए इंटू बी माइनस के बी इज इक्वल टू सी इंटू डी, ऐसे लिख देंगे, ये लिख देंगे। अब क्वेश्चन देखो आप, अगर इस क्वेश्चन से आप अब क्वेश्चन देखिए आप, हाँ उसमें क्या आपको गिवन है ऐसे कुछ के एफ गिवन है यहाँ पे ए जी प्लस और यहाँ पे एन एस थ्री का स्क्वायर माइनस समथिंग कुछ गिवन है के बी इंटू ए जी इंटू एन एस थ्री का होल ट्वाइस प्लस बेटा ऐसे गिवन है। आप देखिए तो अगर मैं कोफिशियंट इक्वेट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी के एफ के बराबर और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी के बी के बराबर। आप देखिए यही गिवन है उसके इसमें तो इसका मतलब के एफ किसके बराबर हो जाएगा बच्चों के एफ हो जाएगा टू इंटू टेन टू द पावर सेवन और जो के बी हो जाएगा वन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू। क्लियर है बेटा। सिमिलरली नाइन्थ भी बिल्कुल सेम है, अगर आप देखें नाइन्थ भी सेम, ठीक है। और कोई बेटा नाइनटीन तक सॉरी ट्वेंटी एथ तक इलेवन
देखिए क्या है, 11 भी डिस्कस करेंगे हम बाद में। क्या है, T इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, राइट, एंड C इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, राइट। तो ए बी प्लस बेटा एच न्यू गिव्स ए बी डैश, है ना, फोन आ रहा है बेटा, ए बी प्लस एच न्यू, ये है बेटा, है ना, एच न्यू क्या है, लाइट है, ठीक है, राइट। अब क्या कह रहे हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ ए बी, बेटा अब आप ये देखिए बेटा कि जितनी लाइट जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड उतना ज्यादा ही होगी, क्योंकि रिएक्शन, जैसे अगर आप एक सी रिएक्शन पढ़े, एक हमने रिएक्शन पढ़ी है एच टू प्लस सी एल टू, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में, और क्या मिलता है हमें, टू एच सी एल। तो जितनी लाइट होगी उतना ज्यादा है ना, जितनी लाइट की एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है, राइट। अब क्या कह रहा है कि आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जितनी ज्यादा क्या होगी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा ब्राइटनेस, क्या होता है, ब्राइटनेस। दो चीजें बेटा, हाँ, एनर्जी और इंटेंसिटी में दोनों में फर्क है। जैसे अगर मैं पूछूं कि रेड हॉट ऑब्जेक्ट ज्यादा एनर्जी होती है कि ब्लू हॉट ऑब्जेक्ट में ज्यादा एनर्जी होती है, इसमें बेटा ब्लू नॉट रेड में बेटा, हाँ, याद रखेंगे क्या है, एनर्जी जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और जब आप लिखते हैं विब ग्योर, क्या लिखते हैं, ग्योर, तो जब आप इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करता है, सॉरी, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड लाइट, इसीलिए क्या होता है वो डेंजर सिग्नल के लिए यूज होता है, क्योंकि दूर से दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि जो c होता है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो तो कांस्टेंट है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है, वेवलेंथ। तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, अगर एक चीज आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, वायलेट की, और सबसे कम किसकी होती है, रेड। तो जो एनर्जी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखो जो गैस जो जलती है आपकी, जो गैस स्टोव जो घर पे जलता है, ठीक है ना, वो किस कलर का होता है, गैस ब्लू कलर, तो इट इज मैक्सिमम हॉट टेम्परेचर है वो, रेड की जलेगी इसका मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, ठीक है, राइट। सो ब्लू, इसीलिए हम बोलते हैं जो एनर्जी है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और फिर आप एनर्जी को लिख दो, ई इज इक्वल टू प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। एच का मतलब क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट इंटू कितना बेटा, फ्रीक्वेंसी, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक एनर्जी की, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच, क्योंकि जो लाइट है इसमें एनर्जी पार्टिकल है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन, क्या कहते हैं, फोटोन। जो लाइट आ रही है बच्चों, लाइट किस फॉर्म में आ रही है, वेव के फॉर्म में आ रही है, और इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पार्टिकल्स जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन। और एक फोटोन की एनर्जी वो कितनी है, एच न्यू, कितनी है, एच न्यू, या इसको आप लिख सकते हो क्या, एच सी बाय लैम्डा, क्या लिख सकते हैं हम, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये सी बाय, उसको क्या लिख दिया बेटा, लैम्डा को सी बाय सी न्यू को लिखा सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा। हमें फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एच कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है, बचा सिर्फ क्या रह गया, लैम्डा। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि वॉट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन व्हेन वेवलेंथ इज गिवन, क्या गिवन है, वेवलेंथ, तो आपको क्या यूज लिखना है बेटा, ई इज इक्वल टू एच न्यू की जगह लिखना है बेटा 12400, क्या याद रखना है, जब वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू, इसकी दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू थी 6.6 × 10⁻¹⁴, और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है, और अपॉन कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आएगा कितना, लैम्डा। तो याद रखना यहाँ पे बस लैम्डा की जो यूनिट है वो किसमें बेटा, एंगस्ट्रॉम, किसमें है, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻¹⁰ मीटर, और ये जो एनर्जी है उसकी यूनिट किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर वेवलेंथ जो है, ठीक है ना, लाइट की वो 4100 एंगस्ट्रॉम है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या होगा, इफ द वेवलेंथ ऑफ, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है 4100 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 4100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा,
क्लियर है बेटा, करेक्ट है, ठीक है। अब ब्राइटनेस क्या है बेटा, ब्राइटनेस जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो इंटेंसिटी अलग चीज है, इंटेंसिटी इज ब्राइटनेस बेटा, कि कितनी ज्यादा ब्राइट कोई लाइट है, जैसे रेड ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कोई भी इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बता रहा है, बट एनर्जी नहीं बता रहा। तो इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन, बट जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी। कोई फोटोन की क्या एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी। बट किसी लाइट में कितने फोटोन है वो क्या है, इंटेंसिटी, वो क्या है, इंटेंसिटी। तो जितनी क्या होंगे, जब इस रिएक्शन में बेटा जितनी इंटेंसिटी आएगी ना, फोटोन ही इसको क्या करेगा, आपके पास ए और बी है, तो अगर मुझे ए बी को ब्रेक करना है तो कुछ एनर्जी चाहिए। तो जितने आपको ए और बी, अगर लेट्स सपोज एक फोटोन एक बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो 10, अगर आपको ये 10 मोल चाहिए तो आपको 10 मोल फोटोन चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि आपको जितने बॉन्ड आपको ब्रेक कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ आपको क्या चाहिए होंगे, फोटोन चाहिए। तो इस रिएक्शन को, अगर किसी भी रिएक्शन को लाइट के प्रेजेंस में होना है, तो दिस मीन्स उसमें आपको क्या चाहिए होगा, इंटेंसिटी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, इंटेंसिटी। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, स्टेप क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इंटेंसिटी सिर्फ। और कोई बेटा, कौन सा 17 ना, क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ये पूछ रहे बेटा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख दें, C2H6 अपॉन कितना बेटा 2, इज रेट ऑफ O2 अपॉन कितना लिख दे बेटा 7, इज रेट ऑफ CO2 अपॉन कितना 4, और रेट ऑफ H2 अपॉन कितना बेटा 6। अब पूछ रहा है कि रेट जो है इसका इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, नहीं ये इक्वल नहीं होगा, है ना, इसके रेट और इसका रेट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसका कितना है बेटा 7 है, तो ये इक्वल नहीं होगा ना, 6/7 हो जाएगा बेटा ये आर्यन, है ना। आर ऑफ C2H6 क्या लिखोगे बेटा, 6/ क्या लिखोगे, सॉरी 2/7 लिखोगे, इनटू आर ऑफ O2 ये लिखोगे, तो इक्वल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बेटा 7 times द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, नहीं 7 times भी नहीं है ये 2/7 times, ठीक है, सॉरी 7/2 times होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का, क्योंकि जब आर ऑफ O2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 7/2 लिखोगे, तो ये जो रेट ऑफ इसका ऑक्सीजन का है वो कितना है 7/2 times रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या है C2H6, क्योंकि ये डिसअपीयर होगा और ये क्या होगा बेटा ये भी डिसअपीयर होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, राइट। फिर है इट इज ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2, तो अब देखो आर ऑफ C2H6 अपॉन 2 बेटा आर ऑफ CO2 अपॉन कितना 4, तो ये 2 हो गया, तो दिस मीन्स क्या होगा रेट ऑफ जो CO2 हो गया वो 2 times रेट ऑफ क्या हो गया C2H6 हो गया। अब क्वेश्चन उल्टा कह रहा है बेटा, वो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे उल्टा बोला हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है इसका वो 2 times है CO2 का, ना वो तो हाफ हो गया, हाफ हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। लास्ट ऑप्शन है बेटा कि रेट ऑफ इसका वाटर के साथ कंपेयर किया हुआ है, तो रेट ऑफ C2H6 अपॉन 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ H2 अपॉन कितना बेटा 6, तो इसको इधर लेके बेटा तो ये कितना हो गया 3, तो क्या लिखेंगे आर्यन 1/3 ऑफ क्या बेटा वाटर, आंसर डी हो जाएगा बेटा, क्लियर। और कोई बेटा 20 तक बस, ठीक है, 18 कह रहा है बेटा कि रिएक्शन दे रखा है स्टार्टिंग विद प्योर प्रेशर ऑफ इतना, द प्रेशर आफ्टर 10 मिनट रीचेज इतना, ओके बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है, मैं वैसे ही बता दूं वर्बली, मैं आपके प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, आपसे क्या पूछ रहा है इस केस में बेटा, इनिशियल इंस्टेंट रिएक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आपको कोई रिएक्शन दे रखी है 3A gives 4B plus कितना बेटा O2, सॉरी C, ऐसे दे रखा है, हाँ पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, क्या पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A RA दैट इज माइनस ऑफ DA बाय, इस 3 का कोई रोल नहीं है क्योंकि हम रेट किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं,
अब वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिस्प्रेंस ऑफ ए एट इनिशियल इंस्टेंट। इनिशियल का मतलब टाइम टी इक्वल टू क्या बेटा, जीरो, ठीक है राइट। तो इंस्टेंट पे आपके पास क्या था, इंस्टेंट पे आपके पास प्रेशर कितना था, वी बाय फाइव, ये था। और टाइम क्या पूछा था उसने, टोटली और 10 मिनट, ठीक है, यही पूछा था, पर मिनट, यही आंसर हो जाएगा उसका। आप नहीं तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, आप जैसे मैंने कल कहा था पी नॉट से जब आप लिखोगे तो आप देखिए 10 मिनट में रिएक्शन पूरी भी हो जाएगी, अगर मैं प्रूव भी करता हूँ। देखिए हाँ, ठीक है, देखिए क्या है बेटा, वो क्या कह रहा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एट इनिशियल इंस्टेंट, ठीक है राइट, इनिशियल इंस्टेंट द प्रेशर आफ्टर 10 मिनट रीचेस टू इतना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एट इनिशियल इंस्टेंट। नहीं मतलब 10 मिनट पे पूछ रहा है वो, एक्चुअली में क्या पूछ रहा है कि 10 मिनट पे क्या रेट होगा, ये पूछ रहा है इसमें, क्योंकि इनिशियल इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया, 10 मिनट में पूछ रहा है कि 10 मिनट पे क्या रेट होगा। तो अब 10 मिनट में अगर हम रेट देखते हैं बेटा, तो ये कितना 3/5 इनिशियल दिया था, तो 3/5 कितना होगा, माइनस क्या लिखेंगे 3p, कल लिखा था, इज इक्वल टू कितना है बच्चों 4p प्लस कितना बेटा p, सभी गैस तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया प्रेशर, ये कितना हो गया बेटा 3/5 माइनस कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 2p, इज इक्वल टू कितना हो गया 1, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस टू कितना हो गया था आफ्टर 10 मिनट 1, इनिशियल प्रेशर कितना था बेटा 3/5, आफ्टर 10 मिनट प्रेशर कितना हो गया था 1, तो आफ्टर 3 मिनट के बाद यही तो प्रेशर होगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, तो कितना हो जाएगा माइनस 2/5, तो ये 2p, तो p इज इक्वल टू 1/10, गड़बड़ कर दिया, माइनस तो प्रेशर आएगा नहीं ना, प्लस 2p आएगा ना, माइनस नहीं आगे आएगा प्लस 2, तो ये कितना हो गया बेटा, ये कितना हो गया, ये तो इसको ऐसे ही रख देना है ना, तो 2 - 3/5, तो 2p इज इक्वल टू कितना बेटा 2/5, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5, है ना राइट, ठीक है राइट। तो इसका मतलब कितना हो गया बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 3 - 3/5 इसका पूछा था, तो इसका प्रेशर एक टी टाइम पे कितना था बेटा 3/5 माइनस 3p, तो 3 * कितना बेटा 1/5, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है 10 मिनट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल प्रेशर कितना था 3/5 अपॉन कितना बेटा 10 मिनट में रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है बेटा, ठीक है, कंप्लीटली क्या होगा डिसअपीयर होगा। और बताइए बेटा 17 में सी होगा, क्यों बेटा, रेट ऑफ जो है रेट ऑफ C2H6 पूछा था, तो ये 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ CO2 ऑन कितना बेटा 4, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, तो ये इसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है ना रेट, तो ये तो 1/2 टाइम्स हाफ हो जाएगा ना, ना कि ट्वाइस होगा बेटा, तो C2H6 ट्वाइस नहीं ना, हाफ हो गया ना बेटा, R ऑफ CO2 अपॉन 2 बचेगा ना, तो आप क्या लिखोगे रेट ऑफ C2H6 इज ट्वाइस बोलोगे कि हाफ बोलोगे बेटा, नहीं सुन मैं अभी कंफ्यूजन, देखिए क्या है बेटा, हमारे पास क्या था C2H6 था अपॉन कितना था 2, इस रेट ऑफ CO2 अपॉन कितना 4, ये 2 कैंसिल, तो फिर यही तो बोला है, तो C का आंसर क्यों होगा बेटा, C तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, सी पढ़ो तो आप क्या ऑप्शन है कि ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ CO2, ट्वाइस नहीं है हाफ है ना उसका, ठीक है डी आंसर बेटा। और कोई बेटा 20 तक क्लियर है, ठीक है, कितने थे टोटल 38, ठीक है 36, तो कल बाकी 16 डिस्कस करेंगे बेटा, करने हैं बेटा डेली करने हैं, डेली करने, ठीक है राइट, आर्यन क्लियर है और आदित्य क्लियर है आपको।
आदित्य क्लियर है? आदित्य है भी क्लास में नहीं? सर आवाज नहीं आ रही, खुला चल रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लियर है बेटा सारे क्वेश्चन? जाकर आए मनाली घूमने। चलिए बेटा लिखें फैक्टर अफेक्टिंग, बेटा लिखें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट है ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन बिफोर डिली करने बेटा क्वेश्चन है। अच्छी बात है बेटा। ठीक है बेटा फर्स्ट फैक्टर लिखें नेचर ऑफ, बेटा लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटा पहला पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आदित्य लिख रहे हो आप? यस सर। ठीक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है लिखे फर्स्ट पॉइंट बेटा, इसमें ए लिखेंगे ए सरफेस एरिया बेटा। ठीक है राइट, अगर हमारे पास क्या है बेटा एक बड़ी सी लकड़ी है, लेट्स सपोज 10 केजी का वेट है इसका। ठीक है ना, एक बड़ी सी लकड़ी है 10 केजी का वेट है और इसी 10 केजी का इसी का मैंने लिखा है वो उसके बुरादा ले लिया, डस्ट ले लिया इसी का लकड़ी का ही। कौन जल्दी बर्न करेगा? बुरादा। छोटी लकड़ी क्या करेगी? ज्यादा जल्दी बर्न करती है कंपेयर टू क्या बेटा बड़ी लकड़ी, है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बुरादा है उसका सरफेस एरिया क्या बेटा ज्यादा है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा वो एयर के कॉन्टेक्ट में क्या रहेगा उतना ज्यादा आएगा और जल्दी क्या करेगा बर्न करेगा। तो क्या है बेटा रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा सरफेस एरिया बेटा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जिसका भी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बेटा। इसीलिए क्या करते हैं जब कभी भी रिएक्शन कराते हैं हम तो बड़े पार्टिकल्स को हमेशा किसमें तोड़ते हैं छोटे पार्टिकल्स को तोड़ते हैं। ठीक है सो दैट क्या हो जाए उसका रेट क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। क्लियर है बेटा राइट फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है बेटा इसी में इसी का ही है बी पार्ट है। ठीक है राइट लिखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ, लिखेंगे सेकंड पॉइंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास तीन सब्सटेंस है या तीन एक ही सब्सटेंस की तीन चीजें हैं तीन स्टेट में, गैस लिक्विड और क्या सॉलिड, तो किस फेज में ज्यादा तेज रिएक्शन होगी? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? मैं इन दोनों को ऐसे रख दूं जन्म जन्मांतर तो कुछ नहीं होने वाला। दो सॉलिड के पास में क्या इनके पास कुछ रेंडमनेस, मैंने क्या बोला था रिएक्टेंट जब मरेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा और मरने के लिए काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जितनी जल्दी क्या करेगा कोलिजन होगा तभी तो क्या होगा इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए रिएक्टेंट को मरने के लिए। दो गाड़ी 10-10 की स्पीड पे आ रही है कुछ नहीं होने वाला, बट यही दो गाड़ियां 120-120 पे आ रही तो कहां मिलेंगे सीधे ऊपर। ठीक है राइट, तो क्या होगा तो जितनी ज्यादा क्या होगी बेटा रेंडमनेस होगी मॉलिक्यूल्स में उतनी ज्यादा क्या होगा रेट होगा। हमेशा आप देखते हैं जब रिएक्शन कराते हैं तो यूजली किसमें रहता है गैस, क्या आपने कभी यूएसए लिखा है जनरली ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड गिव्स गैस, बहुत रेयर है। नहीं आप यहाँ लिखते हो ए एक्वस या बी एक्वस लिखते हो या फिर ऐसे लिखते हो सी सॉलिड प्लस ओ टू गैस, प्लस मैं यहाँ लिख दू कार्बन सॉलिड प्लस आयरन सॉलिड, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है राइट क्लियर है। तो दिस मीन्स क्या होगा बेटा रेंडमनेस जितनी ज्यादा होगी या काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बेटा उसका रेट उतना ज्यादा होगा। तो आंसर इसका क्या बेटा गैस फिर सॉलिड फिर लिक्विड बेटा। क्लियर है, आप बहुत अच्छा लिखते हो। क्लियर है बेटा राइट। अब ऐसे अगर रिएक्शन है आप ऐसे ऐसे लिख दी मैंने ए प्लस बी कुछ है यहाँ पे ए सॉलिड और बी गैस और मैंने ऐसे लिख दिया यही ए प्लस बी लिख दिया बच्चों ये गैस और ये गैस, तो किसका रेट फास्ट होगा ये आर वन और ये आर टू
नीचे वाले सिस्टम। अब ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। क्या है? होमोजीनियस मतलब सभी क्या सेम फेज में है, और ये क्या हेट्रोजीनियस। तो लिखेंगे यहाँ पे इसी पॉइंट के अंदर लिखेंगे होमोजीनियस का ज्यादा होगा किसके बच्चों, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या क्या होगा, ज्यादा होगा इससे हेट्रोजीनियस। हाँ दोनों गैस है तो बेटा होमोजीनियस हो गया ना, दोनों सॉलिड है तो बहुत ही कम हो जाएगा। वह तो हमने पहले ही बता दिया ना कि गैस का बेटा ज्यादा हो जाएगा सॉलिड का, ठीक है ना। गैस का ज्यादा होगा, क्लियर है बेटा। होमोजीनियस सिस्टम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेटा हेट्रोजीनियस, ठीक है। इसी का बेटा सी पॉइंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब लेट्स सपोज क्या है बेटा, ए प्लस ए गिव्स बी बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं ना। हाँ हाँ चल रही बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर आप ये सोचिए, अगर क्या है ए स्टेबल है, अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो जाए तो अगर कोई खुद ही स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि अगर वो खुद स्टेबल है तो रिएक्टेंट में जाना ही क्यों चाहेगा। तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन किधर जाना चाह रही होगी, फॉरवर्ड, है ना। क्या है जो, अगर क्या है रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा होगा, तो रेट क्या हो जाएगा, कम। और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन किधर जाना चाह रही होगी, क्योंकि रिएक्शन हमेशा किधर जाना चाहती है, स्टेबिलिटी की तरफ। हम भी किधर जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ। ऑल हर कोई किधर मूव कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ। अल्टीमेट स्टेबिलिटी कब मिलती है हमें, जब निकलते हैं ऊपर, है ना। बच्चा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, है ना। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम किधर बढ़ते जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म होती जाती है, हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत स्टेबल हूँ एज कम्पेयर टू आपसे, है ठीक है, क्लियर है। सो इसमें लिखें बेटा रेट क्या है, रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है राइट। अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रेट बहुत कम होगा बेटा, ठीक है ना राइट। और रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक है, करेक्ट है ना, ठीक है। सी डी है बेटा, हाँ ठीक है, इसी का डी पॉइंट है बेटा। लेकिन नेचर ऑफ बॉन्ड बेटा, देखेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, टू बी ब्रोकन बेटा, हाँ नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन। किसी रिएक्शन को होने के लिए आप एग्जिस्टिंग बॉन्ड को क्या करोगे, पहले तोड़ोगे, तब नया बॉन्ड क्या करेगा, बनेगा। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के दो स्पीशीज में ट्रिपल बॉन्ड है, एक में क्या है बेटा डबल बॉन्ड है और एक में सिंगल बॉन्ड है। तो किसको तोड़ना सबसे आसान है, सिंगल वाले को। किसको तोड़ना मुश्किल है, मुश्किल है मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी, ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे कम टाइम किसमें लगेगा, इसमें, और इस सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, इसमें। तो इस बार रेट किसका हो जाएगा बेटा, रेट हो जाएगा, क्लियर है। इसकी हेडिंग क्या है डी पॉइंट की, डी पॉइंट की बेटा नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन बेटा, नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन, तो क्या बेटा रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा बेटा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगा रेट क्या होगा, उतना क्या होगा, कम होगा, क्लियर है बेटा। तो ये क्या है, ये था बेटा पहला फैक्टर था जिसपे क्या था, नेचर ऑफ क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेटा। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट लिखे बेटा, ये सारे पॉइंट एक ही में थे। सेकेंड पॉइंट लिखे बेटा टेम्परेचर बेटा, क्या है टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा रिएक्शन में। लेकिन हम डिटेल में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे चैप्टर में। चैप्टर के बेसिकली दो पार्ट हैं,
एक तो पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट पे क्या फर्क आएगा, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो रेट पे क्या आएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके दो पार्ट है बेसिकली चैप्टर के, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिटेल करेंगे, लेकिन हम क्या करें, हम अभी ये जरूर कहेंगे कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो यूजली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है, राइट। तो लिखिए बेटा, लिखेंगे लिखेंगे रेट इज डार्क, लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख रहे हैं बेटा, क्योंकि रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बाद में हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लीनियर रिलेशन ही होता, कहने का मतलब ये बेटा, हाँ डिपेंड करेगा वो, हम रेट कॉन्स्टेंट अभी डिफाइन ही करने जा रहे हैं, ठीक है, राइट। सी पार्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बेटा कैटलिस्ट सॉरी थर्ड पार्ट कैटलिस्ट बेटा थर्ड है कैटलिस्ट। आप सभी ने पढ़ा बेटा, कैटलिस्ट इंक्रीज इज द रेट ऑफ रिएक्शन या चेंज इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो लिखिए बेटा, जनरली तो वैसे कैटलिस्ट दो तरीके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, बट हाँ बट जनरली हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं। तो यूजली क्या करता है कैटलिस्ट, क्या करता है रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए जनरली कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन या इंक्रीज की जगह चेंज करते हैं होता है ना, तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है जनरली, या जनरली हम वर्ड हटा देंगे सीधे लिखो बेटा, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द सीधे सॉरी चेंजेस द कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट पॉइंट है बेटा कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। और यही मेन फैक्टर है बेटा, हाँ टेम्परेचर और एक कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिटेल में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, कंसंट्रेशन। तो ध्यान से समझना है इसमें, ठीक है बेटा, राइट, क्योंकि आगे का चैप्टर ज्यादातर अब इसी के आगे चलने वाला है, इसी टॉपिक के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यूजली ऐसा देखा गया है कि क्या होता है, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूँ तो रेट बहुत क्या होता है, डबल हो जाता है कभी कभी। ये ऐसे देखा गया है कि कंसंट्रेशन को मैं डबल करता हूं तो रेट 4 times हो जाता है, या कभी ऐसा देखा गया है कि रेट को मैं डबल कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट 8 times हो जाता है। नहीं, कम नहीं होना चाहिए बेटा, कम नहीं होगा। यूजली क्या होता है, जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या करता है, रेट इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, आप देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक ये क्या है बेटा, वाटर है, वाटर के अंदर आपने कोई दो केमिकल ले लिए, एक और बी, या मैंने एक ऐसे ले लिया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपको कितने डॉट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 ऐसे डॉट दिख रहे हैं। अब यही अगर मैं दूसरा वेसल लूँ जिसमें क्या करूँ, इतना ही पानी, जितना पानी इसमें था इतना ही पानी इसमें, बट इस बार इसमें 20 ऐसे डॉट है, तो कहाँ पे कोलिजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, 10-11 डॉट में कि आपस के 20 डॉट है, 20 डॉट। अब डॉट का मतलब मोल्स होगी, तो जहां पे जितने ज्यादा मोल्स होगी, जहां पे भीड़ ज्यादा होगी बच्चों, तो वहां कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, ज्यादा होगी। हम ट्रेन में या बस में चढ़ते हैं जहां भीड़ है तो आपस में टकराएंगे, लेकिन अगर खुली जगह पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो जब टकराएंगे तभी रिएक्शन भी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जितनी ज्यादा भीड़ होगी तो रेट सॉरी कंसंट्रेशन क्या, भीड़ का मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट भी क्या करता है, ज्यादा होता है, बट कितना ज्यादा होगा वो हमें नहीं पता। तो वो हो सकता है कि आपने जब कंसंट्रेशन डबल करा तो क्या हो गया, डबल हो गया, 4 हो गया या 8 हो गया। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी की कंसंट्रेशन मैंने 4 times करी बट रेट हाफ हो गया, ऐसा भी देखा गया। क्या हुआ कि आपने कंसंट्रेशन को 4 times किया तो रेट क्या हो गया, हाफ। इसका मतलब क्या है बेटा कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन आप विदाउट एक्सपेरिमेंट नहीं बता सकते। जब तक कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। और उस एक्सपेरिमेंट से एक हम पैरामीटर डिराइव करेंगे जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है बेटा, और एक ही क्वेश्चन आता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमें ऑर्डर पता चल गया किसी रिएक्शन का तो बाकी कुछ भी नहीं है,
ऑर्डर पता चलेगा तो हम रेट बता ही सकते हैं किसका ज्यादा किसका कम हो। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे रेट डबल करने से कितना हुआ, कंसेंट डबल पे रेट डबल हो गया, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर कितना हो गया, वन हो गया, क्योंकि मैंने क्या करा जब कंसेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। अब यहाँ पे मैंने अगर कंसेंट्रेशन डबल किया तो रेट कितना हो गया, फोर टाइम्स हो गया, तो यहाँ बोलूंगा ऑर्डर कितना हो गया, टू टाइम्स हो गया, इसका टू का स्क्वायर। और यहाँ अगर मैं कहता हूँ क्या रेट, अगर मैंने कंसेंट्रेशन डबल किया तो रेट कितना हो गया, एट टाइम्स, तो इसकी कितनी पावर लिख दूं मैं, थ्री, टू की पावर वन, टू, टू की पावर टू और टू की पावर थ्री, तो ऑर्डर कितना हो गया, थ्री। ठीक है, ऐसे सोचिए कि एक जादूगर आया, ठीक है ना, राइट, वो अपने साथ बैग लेके आया और बॉल लेके आया, उसने क्या करा दो बॉल डाली बैग में पहले आपके सामने दिखा के, फिर एक बच्चे को बुलाया कि आओ बॉल से, बैग से बॉल निकालो, फिर जब उसने डाली तो दो बट निकाली चार, तो ऑर्डर कितना हुआ, दो। उसने क्या करा बैग में थैली में कितनी बॉल डाली, दो, बट निकाली कितनी, चार। और अगले दिन फिर आया वो जादूगर, इस बार दो बॉल डाली निकाली कितनी, आठ, तो ऑर्डर कितना हो गया इस बार, थ्री टाइम्स। तो जितनी बॉल निकाल रहा है उसका थ्री टाइम्स निकाला। अब समझे ऑर्डर का मतलब क्या है, तो दिस मीन्स क्या है बेटा कि इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें क्या पता ना हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता ना हो। और ऑर्डर कैसे पता चलेगा, कभी भी रिएक्शन को देख के ऑर्डर पता नहीं चलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर एक ही चीज से पता चलता है, थ्रू एक्सपेरिमेंट। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम कभी भी बता नहीं सकते कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्लियर है, तो इसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इफेक्ट ऑफ, लिखेंगे लिखेंगे वी कैन डिटरमाइन, से लिखेंगे वी कैन डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ, वी कैन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, कंसेंट्रेशन ऑन आर ओ आर, वी कैन, क्या लिखा था, इफ वी कैन डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, बाय नोइंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बाय नोइंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बाय नोइंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, ऑर्डर हमें भी डिफाइन करेंगे क्या होगा विदाउट नोइंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं कंसेंट्रेशन की बात करता हूं बेटा, तो कंसेंट्रेशन होता है एन बाय वी, तो कंसेंट्रेशन हम चेंज कैसे कर सकते हैं, या तो बाय चेंजिंग एन को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो कंसेंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या मैं मोल्स को क्या करता हूं, डिक्रीज करता हूं तो कंसेंट्रेशन क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी, या फिर मैं वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करता हूं तो कंसेंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, या वॉल्यूम को मैं डिक्रीज करता हूं तो कंसेंट्रेशन क्या करेगी। सो दिस मींस कंसेंट्रेशन कैन बी चेंज, हम किसकी इफेक्ट कर रहे हैं, चेंज इन कंसेंट्रेशन। तो याद रखना कंसेंट्रेशन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मोल्स और बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, लिख लेंगे बेटा इसको, लिखेंगे कंसेंट्रेशन कैन बी चेंज्ड ईदर बाय चेंजिंग मोल्स और वॉल्यूम, ईदर बाय चेंजिंग मोल्स और वॉल्यूम। ईदर बाय चेंजिंग मोल्स और वॉल्यूम, सान्या क्लियर है, क्लियर है बेटा। करेक्ट है, राइट। या हम अगर गैस की बात करते हैं बेटा, तो हमने कहा था P इज इक्वल टू कल सी आर के,
तो अगर मैं सी को इंक्रीज या प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ बेटा, तो सी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लेकिन फॉर गैसेस अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। फॉर गैसेस अगर हम पी को इंक्रीज करते हैं तो सी भी इंक्रीज करेगा ना, कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा, राइट? अब ठीक है, राइट? नेक्स्ट लाइन से लिखिए बेटा, लिखेंगे लिखेंगे इफेक्ट ऑफ, लिखिए बेटा लिखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन आर ओ आर, इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन ऑन आर ओ आर was given by effect of concentration on ROR is given by an expression known as rate law, very very important, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और सिर्फ रेट लॉ बेटा, ओनली रेट, क्या बोलते हैं उसको, रेट में एक्सप्रेशन या सिर्फ क्या बेटा, रेट लॉ, नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन और ओनली क्या बेटा, रेट लॉ। सो जो रेट है बेटा, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर में क्या लिख रहा हूँ बच्चों, एन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एन। अब आप सोचिए अगर मैं कंसंट्रेशन को यहाँ पे पावर टू होता तो कंसंट्रेशन को डबल करता तो रेट कितना होता, अगर एन की वैल्यू टू होती ठीक है ना, या एन की वैल्यू वन होती, क्या होती, वन होती, तो अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता तो रेट कितना होता, डबल, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, वन। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे टू लेता बेटा मैं, तो कंसंट्रेशन डबल करता तो रेट कितना होता, फोर टाइम्स। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री रखता और कंसंट्रेशन को टू टाइम्स करता तो रेट कितना होता, आप समझे, एन क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी लिख रहे हैं एक मिनट, हाँ, इसको तो इसको जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बेटा, आर इज इक्वल टू यहाँ पे के इनटू कंसंट्रेशन की पावर कितना, एन, दोनों के लिए, किसी के लिए भी इसके, हम बाद में इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी के लिए भी हो सकता है, किसके लिए नहीं होगा वो भी मैं लिखता हूँ। R इज इक्वल टू क्या बेटा, K इंटू कंसेंट्रेशन की पावर N, इसको क्या कहते हैं बेटा, आर एल ई, क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रेट लॉ एक्सप्रेशन को क्या लिख रहे हैं, आर एल ई या ओनली आर एल बेटा। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, आपको ऐसे लिख के दिखाना है। क्लियर है बेटा, हाँ, लिखेंगे n यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n कुछ भी हो सकता है बेटा, n कैन बी पॉजिटिव, कैन बी, मैं बाद में स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, कैन बी नेगेटिव, कैन बी इंफ्रेक्शन, कुछ भी हो सकता है, बट n कभी भी आप रिएक्शन को देख के नहीं बताओगे इसका n इतना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2NH3 gives N2 plus 3H2, तो आप ये देखो कि यहाँ पे दो लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसका ऑर्डर टू हो जाएगा, नहीं, इससे कोफिशिएंट से N का लेना देना कुछ भी नहीं। तो मैं जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जब हम और डिटेल में करेंगे या हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो जो भी पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मैं आपको लिखूँ, ठीक है, तो वो हम अभी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बेटा, राइट? तो लिखिए बेटा K का क्या मतलब है, लिखिए बेटा K इज नोन एज, लिखिए बेटा K, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, K इज नोन एज रेट कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको हम, रेट कांस्टेंट। स्वास्तिक यही था बेटा K, हाँ, K इज नोन एज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा नाम क्या है इसका, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। जनरली वर्ड यूज क्या करता है बेटा, रेट कांस्टेंट यूज करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक और नाम है इसका, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बेटा,
और तीसरा नाम क्या है इसका, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट, क्लियर है, राइट। लिखिए बेटा, लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ के बेटा, लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ के। के क्या है बेटा, वो डिस्कस करते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ के बेटा, डेफिनेशन ऑफ के, ठीक है, राइट। अब अगर देखिए बेटा, के आर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहाँ पे के इंटू कंसेंट्रेशन की पावर कितना बेटा, एन, ऐसे लिखना। अब अगर आप देखें, मैं अगर कंसेंट्रेशन को यहाँ पे वन पुट कर दू बेटा, अब पावर कुछ भी रहे तो आर इज इक्वल टू हमेशा क्या आने वाला है, के, है ना। अगर मैं कंसेंट्रेशन को वन पुट कर दू तो आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, यहाँ पे एन कुछ भी होता रहे बेटा, एनीथिंग, पावर या जीरो भी होगा तो भी कितना आएगा, वन ही आएगा। क्लियर है, राइट, ठीक है। सो दिस मीन्स हम कैसे डिफाइन करेंगे के को, कि के विल बी इक्वल टू आर व्हेन कंसेंट्रेशन इज कितना, वन यूनिट, है ना। तो लिखिए बेटा, लिखेंगे बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू आर ओ आर, रेट कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल टू आर ओ आर वेन कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज, वेन कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज अपेयरिंग, वेन कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज अपेयरिंग इन आर एल ई, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन, आर एल ई रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी बेटा, इज यूनिटी व्हेन, क्या लिखा था बेटा, देखेंगे, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज अपेयरिंग, पहले से बोलू, कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज अपेयरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी बेटा, आर एन, क्लियर बेटा। आदित्य क्लियर है आपको भी? क्लियर है सर, ठीक है, राइट। तो जैसे कहने का ना, ईच स्पीसीज, जैसे अगर आपने आर लिखा तो लेट्स सपोज यहाँ पे ए प्लस बी था, तो आपने लिखा के ए इनटू क्या लिख दिया बेटा, बी लिख दी, है ना। इसकी पावर कितना था, लेट्स सपोज वन था, इसकी पावर कितनी थी, टू। अब यहाँ पे दो स्पीसीज अपियर हो रही, बट दोनों का कितना लिख दोगे, वन वन कर दो, यहाँ पावर कुछ भी होता है, आर इज इक्वल टू फिर से किस तरह देगा, तो जितनी भी स्पीसीज अपियर होंगी रेट लॉ एक्सप्रेशन में, सबकी कंसेंट्रेशन कितनी लेनी है आपको, देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k के बराबर, कोई डाउट, ठीक है, लिख, बिल्कुल होगा बेटा, सब कुछ होगा, डोंट वरी, हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर के बाद आपको सब इसका आंसर मिल जाएगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कल हम इसका आंसर देंगे। लिखिए बेटा नेक्स्ट, यूनिट ऑफ k बेटा, लिखिए यूनिट ऑफ k, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ k बेटा, यूनिट ऑफ के बेटा, ठीक है। अब रेट की यूनिट क्या थी बेटा, मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स, ये ऐसे लिख देते, यही थी बेटा, ठीक है। और यहां लिख दिया बेटा के इनटू कंसेंट्रेशन है बेटा, मोल पर लीटर की पावर एन, है कि नहीं। सो दिस मीन्स अगर मैं के निकालता हूं बेटा, तो इसको डिवाइड करूं तो यहां क्या गया, मोल पर लीटर इंटू टाइम अपॉन कितना बेटा, मोल पर लीटर इनटू कितना आ गया, सॉरी की पावर कितना आ गया, एन, है कि नहीं, यही लिखा। और इसको अगर मैं टाइम को अलग से लिखता हूं बेटा, यहां पे लिख दू वन बाय टाइम लिख दो, तो आप देखिए ये क्या है, मोल पर लीटर, और ये भी मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर की पावर कितना है बच्चों, वन, तो ये ऊपर चला गया, तो वन माइनस क्या हो गया, एन हो गया। तो दिस मीन्स के की यूनिट क्या आ गई बच्चों, मोल पर लीटर की पावर वन माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाँ मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि हमारा एक ही काम है इस पूरे चैप्टर में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना,
तो अगर मुझे ऑर्डर आता है ठीक है ना राइट, तो दिस मीन्स मेरा आधा काम तो हो गया, बाकी तो सिर्फ मैथमेटिक्स इस चैप्टर में ठीक है। केमिस्ट्री बहुत कम है इस चैप्टर में, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है क्योंकि आगे जाके हम इंटीग्रेशन करेंगे थोड़ा बहुत, बट ईजी है बहुत, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स है ठीक है। अब जैसे ऐसे हैं ठीक है राइट, इसका क्या यूज है मैं ऐसे बता दूंगा। जैसे अगर मैं ऐसे कहता हूँ सान्या कि किसी रिएक्शन का जो के है बेटा ध्यान से, किसी रिएक्शन का जो वो के है 2 × 2 क्या है, के गिवन है 2 × 2। क्या बता सकते हो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या था? किसी रिएक्शन का के गिवन है आर्यन आपको 2 × 2 sin² सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? के की वैल्यू गिवन है 2 sec². तो आप मुझे बताइए अगर के ऐसे गिवन है आपको तो क्या ऑर्डर होगा रिएक्शन का? मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डाल दू बेटा तो ये पूरा 0 हो गया। यूनिट क्या है? सिर्फ टाइम इनवर्स। और ये भी यूनिट क्या है? सिर्फ ऑर्डर क्या है बेटो यहाँ पे 1 खत्म। सो यूज देखे आपके पास, वो कभी नहीं बताएगा आपको क्वेश्चन में कि ऑर्डर क्या है बेटा, वो बहुत कम है, रेयर है कि वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि इसका ऑर्डर ये है ना। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑर्डर क्या है, सोच के समझ के। बाकी हम और भी तरीके देखेंगे, देयर आर 5 or 6 मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें से पहला तरीका है बाय यूजिंग द यूनिट ऑफ के। के की यूनिट देख के हम बता सकते हैं उसका ऑर्डर क्या है। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ ठीक है ना, यूनिट है मोल, यूनिट आई इसकी मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स या मिनट इनवर्स, तो बताइए क्या ऑर्डर रहा होगा? अब इसका 2 हो गया, उल्टा हो गया, तो जब उल्टा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा? लीटर ऊपर चला गया, मोल कहाँ गया? नीचे। तो यही यूनिट आ जाएगा। ऑर्डर कितना हो गया बेटा? समझ में आया क्लियर है करेक्ट बेटा? तो कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, कल हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा कल का लेक्चर, क्योंकि आज हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बट पहले वो क्वेश्चन जरूर करने जो बाकी रिमेनिंग है बेटा, 36 क्वेश्चन थे, तो कल हम बाकी जो रिमेनिंग 16 है वो डिस्कस करेंगे ठीक है ना। और राइट कल, और फिर मैं कल आपको सेकंड शीट दूंगा इसकी बेटा, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट में एक्सप्रेशन के ऊपर ठीक है। आते थे कल आ रहे हो तो? ओके आऊंगा ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।